दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से, तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि 36 लाख प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने बनाया ये खास प्लान। जी आपको बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के चलते फंसे हुए करीब 36 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का कार्यक्रम तैयार किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने शनिवार को ये जानकारी दी। यादव ने बताया कि रेलवे ने करीब 36 लाख फंसे हुए प्रवासियों को पहुँचाने के लिए पिछले 23 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने ये दर्शाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया है कि कैसे रेलवे ने 1 मई को परिचालन की शुरुआत की। पहले दिन 4 ट्रेनें चलाने के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 20 मई तक 289 ट्रेन किया। आपको बता दें कि प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 36 लाख प्रवासियों को उनके गंतव्य तक ले जाएगी और हम राज्य के अंदर भी ट्रेनें चला सकते हैं। करीब 10-12 लाख लोग उन ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने कहा कि गंतव्य राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल होंगे। जब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से 1 जून से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के किराए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे लॉकडाउन से पहले का सामान्य किराया ही वसूल रहा है। उन्होंने दोहराया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के खर्च का 85% हिस्सा केंद्र वहन करता है, जबकि राज्य भाड़े के रूप में बस 15% का भुगतान कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के हाल के बारे में कि 10-10 घंटे तक आउटर पर सिग्नल नहीं दिया जा रहा है, बासी खाना, शौचालय में पानी तक नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि जिन प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों में बैठकर अपने पूर्वी यूपी और बिहार अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में उनकी भी दुर्दशा हो रही है। एक तो ट्रेनें देरी से चल रही हैं और न रास्ते में उनको खाना दिया जा रहा है और न डिब्बे की साफ सफाई हो रही है। आपको बता दें कि जिन प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों में बैठकर अपने पूर्वी यूपी और बिहार अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में उनकी बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो रही है। और आपको बता दें कि कुछ मजदूरों ने ट्रेनें रोके जाने पर रास्ते में प्रदर्शन भी किया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से श्रमिक ट्रेनों में बैठकर आए मजदूरों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उनकी ट्रेन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के आउटर सिग्नल पर 10 घंटे तक रोका रखा गया। गुस्सा आए मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और इस ट्रेन में सवार एक यात्री ने धीरेन्द्र राय ने बताया कि वह रात में 11 बजे आ गई थी। तब से लेकर इसे 10 घंटे तक रोक कर रखा गया है। उन्होंने बताया कि उनसे इस ट्रेन के लिए 1500 रुपए भी वसूले गए हैं। और इस तरह एक और ट्रेन जो कि महाराष्ट्र के पनवेल से जौनपुर आ रही ट्रेन को वाराणसी में करीब 10 घंटे तक रोके रखा गया। इससे गुस्साए मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में रेलवे पुलिस ने इन लोगों के खाने की व्यवस्था की और जब जाकर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। इस ट्रेन में सफर कर रहे गोविंद राजवा ने बताया कि महाराष्ट्र में एक बार खाना दिया गया था, लेकिन उसके बाद यूपी में कुछ नहीं मिला। ट्रेन को काशी में 7 घंटे तक रोके रखा गया। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद 2 घंटे के लिए और रोक दिया गया, फिर तीसरी बार आगे बढ़ाया गया और फिर रोक दिया गया। इसी तरह गुजरात से बिहार जा रही एक ट्रेन में सवार मजदूर ने कानपुर में दिए गए खाने को फेंक दिया। उनका कहना था कि ये खाना खराब हो चुका था। मजदूरों ने रेलवे सुरक्षा में तैनात जवानों से कहा कि उनके साथ अमानवीय बर्ताव क्यों किया जा रहा है। मजदूरों का कहना था कि शौचालय में पानी तक नहीं है। एक मजदूर ने कहा कि पीने के लिए पानी तक नहीं है। जो पूड़ियां खाने के लिए दी गई वो 4-5 दिन पुरानी लग रही थी, इसलिए सभी ने खाना फेंक दिया। और अब अगली खबर बता दें कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा नहीं दिखा चांद, अब सोमवार को मनाई जाएगी ईद। जी आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को ईद मनाई जाएगी और रविवार को आखिरी रोजा होगा। दिल्ली की 2 ऐतिहासिक मस्जिदों के शाही इमामों ने ऐलान किया कि शनिवार को कहीं से भी चांद दिखने की खबर नहीं मिली, इसलिए ईद उल फित्र का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में चांद नहीं दिखा और न ही चांद दिखने की कहीं से खबर या गवाही मिली, इसलिए रविवार को 30वां रोजा होगा और शव्वाल इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना की पहली तारीख सोमवार को होगी। शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद होती है। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कहीं से भी चांद दिखने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि असम, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मुंबई, चेन्नई में संपर्क कर चांद के बारे में जानकारी ली गई थी, लेकिन कहीं से भी चांद दिखने की खबर नहीं आई है। और अब अगली बड़ी खबर बताते हैं जो कि बिहार से है कि तेज प्रताप यादव ने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा आने वाली ज्योति के जज्बे को किया सलाम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद प्रवासी बिहारी अपने गृह राज्य लौटने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कई प्रवासी साइकिल, रिक्शा, ठेला आदि अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर बिहार लौटे। इन सब के बीच साइकिल से बिहार आने की सर्वाधिक चर्चा दरभंगा की रहने वाली 15 वर्षीय ज्योति की हुई। आपको बता दें कि मालूम हो कि ज्योति ने अपने घायल पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर का सफर तय कर दरभंगा तक पहुंची। ज्योति के साहसिक कदम को सलाम करते हुए भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने उन्हें ट्रायल के लिए दिल्ली बुलाया है। हालांकि इस संबंध में ज्योति का कहना है कि मुझे साइकिल में रेस लगाने के लिए दिल्ली से फोन आया था। मैंने कहा कि मैं अभी तो रेस नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे पैर और हाथ में दर्द है। हालांकि ज्योति ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद या 1 महीने के बाद ट्रायल के लिए आने को कहा है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें जो कि यूपी से आ रही है। राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो किया शेयर तो भड़की मायावती, बोली हमदर्दी कम नाटक ज्यादा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। बसें चलाने को लेकर कांग्रेस को नसीहत देने के बाद अब मायावती ने बगैर राहुल गांधी का नाम लिए प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो साझा करने पर उन पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेसी नेता द्वारा दिखाया जा रहा वीडियो हमदर्दी वाला कम व नाटक वाला ज्यादा लगता है। मायावती ने शनिवार को एक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह हमदर्दी वाला कम व नाटक वाला ज्यादा लग रहा है। कांग्रेस अगर ये बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की है तो ये बेहतर होता। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है उसके असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की होती तो उन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। और अब जो अगली खबर आ रही दिल्ली से, आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर आज से शराब की 66 प्राइवेट दुकानें खुली, ऑड इवन का करना होगा पालन। जी आपको बता दें कि दिल्ली में शराब की 389 दुकानें हैं, जिनमें से 150 दुकानें शॉपिंग मॉल में हैं। इन दुकानों को फिलहाल इजाजत नहीं मिली है। ये दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी। और कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में अब तक दिल्ली में लगातार ढील मिलने लगी है। 3 हफ्ते पहले ही दिल्ली सरकार ने प्रदेश में पहली बार शराब की दुकानें खोलने की शुरुआत की थी और अब राष्ट्रीय राजधानी में शराब की निजी दुकानों को भी दोबारा खोले जाने की इजाजत मिल गई है। हालांकि ये इजाजत सिर्फ 66 दुकानों को ही मिली है। इसके साथ ही सरकार ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में मौजूद ऐसी दुकानों को फिलहाल इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब बता दें कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब मॉल में भी खुलेंगी शराब की दुकानें, जारी किए जाएंगे लाइसेंस। जी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को यूपी आबकारी नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में विदेशी शराब के प्रीमियम खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस दिए जाएंगे। इस नियम को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के मॉल में कई तरह की शराब की बिक्री का रास्ता खुल जाएगा। प्रदेश के मॉल में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री के लिए FL4C लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इससे मौजूदा शराब दुकानों को मिली अनुमति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दुकानों को मौजूदा शराब दुकानों के अतिरिक्त अनुमति मिलेगी। जो मॉल में इस तरह की दुकानों के लिए अनुमति चाहते हैं उनके पास न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट का क्षेत्र पर प्लिंथ एरिया होना चाहिए। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में बता दें कि जुलाई से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दिए हैं संकेत। जी हम बात कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को शुरू कर सकती है अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में जून तक कमी आ जाती है। इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सरकार ने 25 मई से हवाई सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दे दी है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने फिलहाल घरेलू हवाई सेवा को शुरू करने के लिए 25 मई की तारीख तय की है। हालांकि अभी कुछ चुनिंदा रूटों पर हवाई सेवा चालू होंगी। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने के लिए भी विमानन मंत्री ने संकेत दे दिया है। पुरी ने कहा है कि हम अगस्त सितंबर तक का क्यों इंतजार करेंगे। अगर वायरस की रफ्तार कम हुई तो हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। हम कोशिश करेंगे कि जून के मध्य या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर देंगे। और अब बता दें कि शराब पर टैक्स बढ़ाते ही दिल्ली सरकार मालामाल, 15 दिनों में 110 करोड़ की कमाई। जी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया और उसके तुरंत बाद शराब के दामों में विशेष कोरोना शुल्क भी लगाया था। दिल्ली सरकार ने 15 दिनों में टैक्स से 110 करोड़ से अधिक कमाई की है। आने वाले दिनों में दिल्ली में कुछ चिन्हित जगहों पर प्राइवेट दुकानें भी खोले जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जबकि कमाई 12 मई तक लगभग 55 करोड़ रुपए थी, 15 मई तक विशेष कोरोना शुल्क संग्रह 70 करोड़ रुपए हो गया। 21 मई तक शुल्क का संग्रह लगभग 110 करोड़ तक पहुंच गया। लॉकडाउन के कारण केवल 100 के करीब शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। अब शहर भर में लगभग 200 दुकानें खुल चुकी हैं। शनिवार से आबकारी विभाग द्वारा 66 निजी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। और अब बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम का हाल। जी आपको बता दें कि दिल्ली में अब भी गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत भारत के ज्यादातर इलाकों में मई के महीनों में आखिर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के उत्तर पश्चिमी मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र में गर्म हवा चलने से पालन और लोधी रोड इलाके में काफी गर्मी देखने को मिली। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।